हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। गाइस चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह अखंड भारत का निर्माण किया वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस शुरुआत कर लेते हैं। गाइस ये सब सारी कहानी की शुरुआत होती है मगध साम्राज्य से। मगध साम्राज्य के उदय की कहानी के बारे में हम पहले जान चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। मगध साम्राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आती है, उस समय मगध साम्राज्य पर राजा धनानंद का शासनकाल था, जो कि प्रजा में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अनेक राजवंशों का योगदान रहा, जैसे कि हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना होती है, जहां से कहानी शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की। इन सभी वंशों के बारे में हम पिछली वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मौर्य वंश की बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा था, और इसी दौरान एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था। तो चलिए गाइस एक एक कर हम सभी मौर्य वंश के राजाओं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। मौर्य साम्राज्य में भारत उस समय का या फिर अभी तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हुआ करता था। उसकी एक सीमा असम में, पूर्व की तरफ असम में, दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ ईरान की सीमा से लगती थी। पश्चिम में भी काफी सीमाओं का विस्तार किया, उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर हिमालय की चोटी से लेकर कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। किस तरह इसके राजाओं ने इस साम्राज्य को विस्तृत किया, विस्तार प्रदान किया, जानेंगे हम एक एक करके। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण करने में सबसे पहला अपना योगदान दिया, सबसे पहले सम्राट हुए जिन्होंने भारत को इतने विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। ये कहानी शुरुआत होती है सिकंदर के भारत विजेता के सपना लेकर, विश्व विजेता का सपना लेकर भारत की तरफ बढ़ने से। सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए भारत को आखिरी छोर मानकर भारत की तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर की सूचना लेकर चाणक्य राजा धनानंद के दरबार में जाता है, लेकिन राजा धनानंद अत्यंत विलासी राजा होता है, वह इस विषय को इतनी गंभीरता से नहीं लेता है। तभी चाणक्य को अपमानित कर अपने दरबार से निकाल देता है। तो चाणक्य भी अपने अपमान के बदले प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो नंद वंश को समूल विनाश कर देंगे, नंद वंश को मिटा देंगे। इसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वे चाणक्य नीति का उपयोग कर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से सिकंदर को भारत से वापस भेज देते हैं और धनानंद को भी हरा देते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में किस तरह उन्होंने बिना युद्ध किए सिकंदर को वापस भेज दिया था। इसके बारे में हम सिकंदर के इतिहास में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करने वाले हैं। सिकंदर को बिना युद्ध किए चाणक्य नीति से कौटिल्य ने वापिस भेज दिया था भारत की ओर से। सिकंदर के इतिहास के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में जानेंगे। अगली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हम सिकंदर के इतिहास के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सिकंदर भारत से 325 ईसा पूर्व वापस चला जाता है और लौटते समय उसकी बेबीलोन में मृत्यु भी हो जाती है। इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि किस तरह नंद वंश को चाणक्य ने परास्त किया, किस नीति से परास्त किया, जान लेते हैं। नंद
एम्पायर यानी कि नंद साम्राज्य उस समय भारत के इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। चाणक्य ने एक युद्ध किया नंद वंश के साथ चंद्रगुप्त की सहायता से, परंतु चंद्रगुप्त उसमें परास्त हो जाता है और वो दोनों किसी गांव में ठहरते हैं अपनी सेना सहित परास्त होने के बाद। उसके बाद चाणक्य देखते हैं कि एक बूढ़ी अपने बच्चों को बोल रही है कि थाली में बीच से ना खाएं, किनारों से खाएं, बीच में गर्म होता है। तो इसी से चाणक्य समझ जाते हैं कि हमें धनानंद की राजधानी पर आक्रमण नहीं करना है, पहले किनारों पर आक्रमण करना है। तो इस तरह दूसरों की गलती से सीखकर अनुभव लिया और फिर से युद्ध में उतर गए। इसी तरह 321 में पंजाब और सिंध पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़े और इसमें राजा प्रसन्नजीत की सहायता से आगे बढ़ते हुए राजा धनानंद को परास्त कर दिया। राजा धनानंद को परास्त कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसी तरह चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया गया। चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व का रहा था। इस शासनकाल के दौरान उन्होंने अनेक कार्य किए। धनानंद की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री धुरधरा अर्थात नंदिनी उनसे विवाह कर लिया। यह इनका प्रथम विवाह था जिसके बाद इनका एक पुत्र भी हुआ जो आगे चलकर बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्योंकि यही मौर्य वंश के नेक्स्ट राजा भी बनने वाले हैं। इसके बाद बारी आ जाती है सेल्यूकस की जो कि सिकंदर के सेनापति और सिकंदर के पुत्र भी थे। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व भारत की तरफ दोबारा से लौटता है और चंद्रगुप्त से युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में सेल्यूकस की फिर से हार हो जाती है। चाणक्य नीति के कारण चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों मिलकर सेल्यूकस को परास्त कर देते हैं। उसके बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त का विवाह अपनी पुत्री हेलेना से कर देता है। इसके साथ ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये चंद्रगुप्त का दूसरा विवाह था। इस विवाह के पश्चात उपहार स्वरूप यानी कि गिफ्ट के तौर पर 500 हाथी चंद्रगुप्त सेल्यूकस को दे देते हैं। अब बारी आती है मेगास्थनीज की जो कि एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में ठहरते हैं। ये यूनान के ही थे। ये भी ये हेलेना के साथ आए थे, सेल्यूकस के राजदूत थे, सेल्यूकस के भेजे हुए। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है जो कि एक ग्रीक स्रोत है इंडिया के इतिहास का। इंडिका में हमें चंद्रगुप्त के काल की जानकारी मिल जाती है। इसी तरह एक और पुस्तक है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है। उसमें हमें चंद्रगुप्त के समय की राजनीतिक स्थितियों की राजनीतिक समझ हमें मिल जाती है। एक राजनीतिक किताब हम उसे बोल सकते हैं। हेलेना का भी एक पुत्र होता है लेकिन प्रजा उसे राजा के रूप में स्वीकार करने से मना कर देती है। इसी वजह से चंद्रगुप्त 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार को राजा घोषित कर देते हैं। अब जान लेते हैं हम चंद्रगुप्त के समय में क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था की जो कि राजतंत्र व्यवस्था थी। इसमें साम्राज्य प्रांत मंडल जिले स्थानिक द्रोणमुख और खाटिक संग्रहण नगर प्रशासन और ग्राम इन क्षेत्रों में बांटी गई थी प्रशासनिक व्यवस्था। जो एक साम्राज्य है उसमें कई प्रांत हुआ करते थे, एक प्रांत में कई मंडल हुआ करते थे, एक मंडल में कई जिले हुआ करते थे, जिलों में कई स्थानिक होते थे और एक स्थानिक 800 गांव का बनता था।
800 गांव यानी कि दो द्रोणमुख। दो द्रोणमुख का अर्थ है एक द्रोणमुख में 400 गांव होते हैं, यानी कि 800 गांव का स्थानिक हो गया दो द्रोणमुख 800 गांव। इसी तरह एक द्रोणमुख में दो खार्टिक आते हैं, एक खार्टिक जो है वो 200 गांव का होता था, यानी कि दो खार्टिक मिलकर एक द्रोण बनाते हैं। इसी तरह एक खार्टिक 20 संग्रहण का हुआ करता था, एक संग्रहण 10 गांव का हुआ करता था। नगर प्रशासन एक अलग व्यवस्था थी, किसी विशेष जगह को नगर बना दिया जाता था। ग्राम यहां पर गांव को कह दिया गया है। 10 गांव मिलकर संग्रहण बनाते थे, जिस तरह छोटे छोटे शहरों से मिलकर आगे ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से आगे डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट से आगे स्टेट बनता है, ये उसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है, उस समय की केंद्रीय व्यवस्था है चंद्रगुप्त के काल की। अब जान लेते हैं उस समय की सैन्य प्रशासन के बारे में। उस समय सैन्य प्रशासन में 6 समितियां हुआ करती थी, जो कि पैदल सेना समिति, अश्वरोही सेना समिति, नौसेना समिति, रसद सेना समिति, गज सेना समिति और रथ सेना समिति शामिल हैं। तो ये 6 सेना समितियां उस समय में हुआ करती थी। चंद्रगुप्त की सेना लगभग 800,000 पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ शामिल थे। चंद्रगुप्त की सेना में वेतन दिया जाता था सभी सैनिकों को, और जब सेना में सैनिकों का काम नहीं होता था तो वो कृषि कार्य भी कर सकते थे। इसी के साथ साथ 5 प्रकार के दुर्ग हुआ करते थे, स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, मरु दुर्ग। सैन्य प्रशासन के अलावा हम बात कर लेते हैं शिल्पकला समिति के बारे में। शिल्पकला समिति हम बात कर लेते हैं उस समय की अन्य समितियों के बारे में, जो हमें मेगस्थनीज की पुस्तक से मिलती है, जिसमें हमें 6 समितियां मिल जाती हैं नगर परिषद की, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे हर एक समिति में, जिसमें कि शिल्पकला समिति, वाणिज्य समिति, वैदिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या समिति, कर समिति। इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनके कार्य हुआ करते थे, इनके काम हुआ करते थे। इनकी जानकारी हमें मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है, जो कि पाटलिपुत्र के नगर परिषद के लिए बनाई गई थी। हर एक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था की अगर बात करें तो सम्राट स्वयं ही न्याय व्यवस्था को संभालते थे। सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो सम्राट को माना जाता था। इसके अलावा 2 तरह की न्यायालय मौजूद थे उस समय में, जो कि धर्मस्थलीय और कंटक संशोधन, यानी कि धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय और कंटक संशोधन यानी कि फौजीदार न्यायालय। इसके अलावा अगर हम बात करें उस समय के राजस्व प्रशासन की, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की, तो टैक्स जो था उस समय वो किस, जैसे कि आय का स्रोत उस समय जो हम कह सकते हैं, इन इन स्रोतों से हुआ करता था। भूमि कर, सेतु कर, सेतु कर यानी कि जो आज टोल टैक्स के रूप में है, बिक्री कर, दंड, राजकीय उद्योग। तो इन सब से जो कर आता था, जो आय आती थी, वो राजस्व प्रशासन में काम में लाई जाती थी। भूमिकर उस समय में कुल उपज का 1/6 भाग हुआ करता था, यही मुख्य साधन हुआ करता था विशेषकर राजस्व प्रशासन में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वेतन की, तो सभी जो मंत्री थे, सैनिक थे, प्रशासन के अधिकारी थे, अमात्य थे, सभी के लिए एक फिक्स वेतन, एक निश्चित वेतन हुआ करता था। जैसे कि राज्यपाल होते थे, जो प्रांतों के राज्यपाल होते थे, उनका वेतन 12,000 पण था। एक पण उस समय में 3/4 तोले चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो 12,000 पण आप देख सकते हैं कितना चांदी मिलता होगा। उस समय में मगध साम्राज्य जो था वो चंद्रगुप्त
ने बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला दिया था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि असम से लेकर ईरान की सीमा तक और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान भी भारत के अंदर ही आया करता था, लेकिन कलिंग और कर्नाटक के नीचे का भाग अभी भी मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था। वो आगे चलकर अशोक के समय में ही सम्मिलित होगा। तो इन दो क्षेत्रों के अलावा बाकी सभी क्षेत्र जो हैं वो भारत के पार्ट बन जाते हैं, खंड भारत का पार्ट बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत का निर्माण करने वाले पहले सम्राट बन जाते हैं। वही राजा होता था, वही सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च कार्यपालिका राजा स्वयं संभालता था उनके शासनकाल में। लोग बेहद खुशहाल थे, इसी वजह से वो एक अखंड भारत का निर्माण करने वाले पहला सम्राट बना। इसके बाद वो जो है संन्यास ले लेते हैं एक तरीके से अपने जीते जी, अपने पुत्र को शासन सिंहासन दे देते हैं, उसका राज्याभिषेक कर देते हैं बिंदुसार को राजा बनाकर। स्वयं कर्नाटक की तरफ श्री गोलाबेला में बौद्ध धर्म अपनाकर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं या फिर अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी तरह उनकी मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में। और इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो है उनके मौर्य साम्राज्य के अगले राजा बिंदुसार के बारे में। ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।